SEN24। स्कूली छात्रों को शाला स्तरीय अध्ययन के अलावा भी अन्य आवश्यक जानकारी दिलाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा शैक्षणिक भ्रमण के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय, मेडिकल कॉलेज व MSP प्लांट का भ्रमण कराया गया। स्कूली छात्रों को शाला स्तरीय अध्ययन के अलावा भी अन्य आवश्यक जानकारी दिलाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा शैक्षणिक भ्रमण के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय, मेडिकल कॉलेज एवं MSP प्लांट लाया गया है। शनिवार को स्वामी आत्मानंद विद्यालय में अध्ययनरत छात्र जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासनिक कार्यालयों के भ्रमण किया, जहां उन्होंने प्रशासनिक कार्य किस प्रकार से विभागों के माध्यम से निष्पादित किए जाते हैं इसकी जानकारी ली। छात्र इस शैक्षणिक भ्रमण के लिए काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे थे। इसी तरह मेडिकल कॉलेज के भ्रमण के दौरान छात्रों को इस बात की जानकारी मिली कि किस तरह मेडिकल स्टूडेंट अपनी मेहनत और लगन से डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं और एक डॉक्टर बनने के बाद किस तरह से जनसेवा का कार्य करते हैं। ऐसे छात्र जो टेक्निकल या मैकेनिकल कार्य में रुचि लेते हैं, उन्होंने प्लांट भ्रमण के दौरान तकनीकी बारीकियों को समझा। स्कूली छात्रों के साथ उनके शिक्षक गण भी रायगढ़ पहुँचे थे, जो हर स्थान के भ्रमण के दौरान छात्र छात्राओं को इस विषय से संबंधित जानकारियां दे रहे थे। साथ ही छात्रों के मन में जो भी सवाल थे उनका जवाब भी शिक्षकों ने दिया, ताकि जिस उद्देश्य से छात्रों को स्कूल से बाहर लाया गया है वह शैक्षणिक भ्रमण छात्रों के लिए उपयोगी साबित हो। हम लोग को एजुकेशनल टूर पे लेके आया गया है। मैं अपने स्कूल के और अपने एजुकेशनल डिपार्टमेंट के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि उन लोगों ने हमें एजुकेशनल टूर पे लेके आए हैं। हम अभी कलेक्ट्रेट आए हैं, उसके बाद फिर हम मेडिकल कॉलेज जाएंगे और उसके बाद हम लोग MSP जाएंगे। हाँ, मेडिकल कॉलेज में हम बायो के स्टूडेंट्स हैं, तो फिर कहीं ना कहीं उस फील्ड में हमको जाना ही है, तो अभी से थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो हमारे लिए अच्छा है। मैं पहले कभी नहीं गई हूँ, पहली बार आई हूँ। ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपने स्कूल के डिपार्टमेंट के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमें ऐसे एजुकेशनल टूर पे लेके आज आप लोग के शैक्षणिक भ्रमण के लाया गया है। कहाँ कहाँ भ्रमण कराए जाएंगे और इससे आप लोगों को कितना फ़ायदा होगा? हमें जो स्कूल मैनेजमेंट की ओर से हमें कलेक्ट्रेट, उसके बाद मेडिकल कॉलेज, उसके बाद MSC प्लांट के हमें जाना है। कितना फायदा होगा आपको पढ़ाई के दृष्टि से देखते हुए, यदि आप भविष्य में मेडिकल में पढ़ना चाहते हैं या प्लांट से संबंधित कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो इससे आप लोगों को कितना बेनिफिट है? इसमें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि हम बायो के स्टूडेंट हैं और हमें मेडिकल फील्ड में जाना है, तो इससे हमें बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है जानने के लिए। आज जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार रायगढ़ जिले में संचालित सभी स्वामी आत्मानंद स्कूलों के स्टूडेंट में कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चों का आज शैक्षणिक भ्रमण कराया जा रहा है, जिसके तहत सभी ब्लॉक के अलग अलग स्कूलों को अलग अलग कहीं के प्लांट दिखा रहे हैं या फिर स्कूल परिसर दिखा रहे हैं। और जिस तरह आज रायगढ़ में हम आए हैं, तो हम लोग आज कलेक्टर परिसर घूमेंगे, उसके बाद मेडिकल कॉलेज जाएंगे और उसके बाद फिर हम MSP प्लांट में जाएंगे। जी, जी अभी यहाँ पे लगभग टोटल 97 बच्चे हैं अभी की स्थिति में, और ये केवल आज के ही प्रोग्राम है। इस तरह हर साल ये गतिविधि की जाती है, ये एक दिन का प्रोग्राम है आज। और अभी हम अपने बच्चों को एक शैक्षिक भ्रमण के लिए लाए हैं, जो हमारे जिला प्रशासन और शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग की तरफ से रखा गया है। और इस तारतम्य में हम सबसे पहले कलेक्ट्रेट आए हुए हैं। कलेक्ट्रेट के बाद हमको जाना है मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज भ्रमण के बाद हमको बच्चों को लेके जाना है MSP, तो साथ में मेडिकल का भी बच्चों का जानना हो जाएगा और प्लांट के बारे में भी जो उनकी जानकारी है वो उसमें भी वृद्धि होगी। तो ये बच्चों का एक शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम है। सर, कोरोना काल के लेकर बहुत दिनों से बहुत सारे कार्य देखिए सर, अभी तो आप हम सब जानते हैं कोरोना के कारण जो शैक्षणिक संस्थाएं बंद थी, और अभी जैसे ओपन हुआ है तो बच्चों में एक अलग से उमंग है
क्लास अटेंड करना और रेगुलर आना उनका, और उसी के तहत हम उनको लेके जा रहे हैं ताकि उनके नॉलेज में थोड़ा और वृद्धि हो सके। इसमें हम लोग कोरोना नियमों का भी पालन कर रहे हैं, जैसे कि बच्चों को कह दिया गया है कि वो मास्क पहन के रखेंगे, सैनिटाइज़र घर से लेके आएंगे और डिस्टेंस बना कर रखेंगे। ये सब बातें उनको पहले से हम बता दिया गया है और ये उनके लिए फ़ायदा ही होगा सर, क्योंकि कोरोना के बाद हम जिस उनको अगर लेके जाएंगे कहीं तो उनके उनमें एक और रुचि बढ़ेगी पढ़ने में और ये सब शैक्षणिक गतिविधि में। जी बिल्कुल सर, भविष्य में हम इनको लेके जाएंगे, अलग अलग जगहों पे लेके जाएंगे और ये हमारे हर साल का कार्यक्रम, उसी की कड़ी में हम इनको आज लेके जा रहे हैं। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN24।